स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन। तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो को सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी 6 सैम सॉलिड स्टेट नैनो फिजिक्स यूनिट 2 के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है एक्स रे डाइफ्रैक्शन एंड ब्रैग्स लॉ। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स क्या होते हैं? क्रिस्टल्स वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें एटम जो हैं वो रेगुलरली अरेंज होते हैं थ्री डायमेंशंस के अंदर। ये हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है जिसमें जो एटम्स हैं वो रेगुलरली अरेंज है थ्री डायमेंशन के अंदर। हर एक एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, मीन जो सेपरेशन ऑफ एटम्स है, वो बिल्कुल सेम है, चाहे वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एटम्स जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर वो सेम रहता है। और क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे पैरेलल प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स ये है, दूसरा सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स ये है, तीसरा सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स ये है। ऐसे ऐसे आप बहुत सारे पैरेलल प्लेन्स ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी क्रिस्टल के अंदर। मीन्स आप क्रिस्टल को मान सकते हैं एग्रीगेट ऑफ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। देखिए स्टूडेंट, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग, और उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से। मान लीजिए आपने ये दो प्लेन्स लिए और इनके बीच का डिस्टेंस आपने इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग बोलते हैं, और इस इंटरप्लेनर स्पेसिंग को डिनोट किया जाता है डी से। उसी तरह से अगर इन दोनों प्लेन्स की बात की जाए, इन दोनों पैरेलल कॉन्जिक्यूटिव प्लेन्स की बात की जाए, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको भी हम डी से डिनोट करेंगे। इसी तरह से इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा जिसको हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग बोलते हैं उसको भी डी से डिनोट किया जाएगा। मींस डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव पैरेलल प्लेन्स इज कॉल्ड इंटरप्लेनर स्पेसिंग, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से। किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है, मीन्स जो स्मॉल डी की वैल्यू होती है, उसकी जो ऑर्डर रहता है वो 1 एंगस्ट्रॉम के लगभग रहता है, और जो वेवलेंथ होती है एक्स रेज की वो भी 1 एंगस्ट्रॉम की ऑर्डर की होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1912 में वॉन लाउ ने हमें ये सजेस्ट किया कि जब हम एक्स रेज को क्रिस्टल्स के ऊपर फॉल करवाते हैं तो एक्स रेज की डाइफ्रैक्शन हो जाती है, क्योंकि एक्स रेज की वेवलेंथ और इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो क्रिस्टल्स में होता है दो कॉन्जिक्यूटिव पैरेलल प्लेन्स के बीच में, उन दोनों का ऑर्डर 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। 1912 में वॉन लाउ ने हमें सिर्फ आइडिया दिया था कि हम एक्स रेज को डाइफ्रैक्ट कर सकते हैं क्रिस्टल्स के थ्रू, बट बाद में फ्रेडरिच और क्निपिंग नाम के दो फिजिस्ट ने सक्सेसफुली एक्स रेज को डाइफ्रैक्ट करके दिखाया था जिंक सल्फाइड क्रिस्टल से। इसके बाद तो W.L. ब्रैग नाम के फिजिस्ट ने क्रिस्टल से डाइफ्रैक्ट होने वाली एक्स रेज को स्टडी करने के लिए सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया था, जो कि होता है 2D साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज यूज्ड, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पैरेलल प्लेन्स, एंड थीटा इज द एंगल एट विच एक्स रेज फॉल ऑन द क्रिस्टल्स। और इसी इक्वेशन 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा को बोला जाता है ब्रैग्स लॉ, जो कि आज के टॉपिक में हम उसको ड्राइव भी करेंगे। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सरे डाइफ्रैक्शन, या फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल्स, तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख के आएंगे, आइए वो देख लेते हैं। वॉन लाउ इन 1912 सजेस्टेड दैट एक्सरेज कैन बी डाइफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल्स। 1912 में वॉन लाउ ने सबसे पहले आइडिया दिया था, थ्योरेटिकल आइडिया दिया था कि हम एक्सरेज को क्रिस्टल से डाइफ्रैक्ट कर सकते हैं। लेटर फ्रेडरिच एंड क्निपिंग सक्सेसफुली डेमोंस्ट्रेटेड द डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय जिंक सल्फाइड क्रिस्टल्स। बाद में फ्रेडरिच और निपिंग नाम के दो फिजिस्ट ने एक्सरेज को सक्सेसफुली डाइफ्रैक्ट करके दिखाया था, और उन्होंने जो क्रिस्टल लिया था एक्सरेज को डाइफ्रैक्ट करने के लिए वो लिया था जिंक सल्फाइड क्रिस्टल। द इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी इन अ क्रिस्टल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, एंड द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ एक्सरेज इज आल्सो ऑफ सेम ऑर्डर, दैट इज डी इज इक्वल टू लैम्डा एक्सरेज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। अब एक्सरे डाइफ्रैक्ट होती क्यों है क्रिस्टल्स के थ्रू, क्योंकि जो क्रिस्टल्स के बीच में इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, और जो वेवलेंथ होती है एक्सरेज की वो दोनों सेम ऑर्डर की होती है। ये नेसेसरी कंडीशन है डाइफ्रैक्शन की, इसलिए जो हो एक्सरेज हैं वो सक्सेसफुली डाइफ्रैक्ट हो जाती हैं थ्रू क्रिस्टल्स। सो एक्सरेज कैन बी डाइफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल्स, इसलिए एक्सरेज जो है क्रिस्टल से डाइफ्रैक्ट हो जाती हैं। इसके बाद आप एग्जाम में क्या लिख के आएंगे वो देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।
देखिए स्टूडेंट्स, होता ये है कि जब एक्सरेस को हम क्रिस्टल के ऊपर फॉल करवाते हैं तो क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन जो है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जितनी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की थी उसी फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करेंगे अबाउट मीन पोजीशन, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटम्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के वो एक्सेलरेटेड हो जाएंगे, और जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मीन जो एक्सेलरेटेड चार्जेस होते हैं वो रेडिएशन को एमिट करते हैं। उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट हो रहे थे जिन्होंने इंसिडेंट एक्सरेस की एनर्जी अब्सॉर्ब की थी वो उसी रेडिएशन को रीएमिट करेंगे विद द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट एक्सरेस। जो एमिटेड रेडिएशन होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम होगी जो हमारी इंसिडेंट एक्सरेस की थी। आइए डायग्राम के थ्रू समझते हैं ये सब कुछ कैसे होगा। मान लीजिए ये है पहली एक्सरे और ये है दूसरी एक्सरे जिसको हमने एक पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स के ऊपर फॉल करवाया है। जब हम ब्रैग्स लॉ डिस्कस करते हैं तो हम एक ही सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स लेके चलते हैं। वैसे तो क्रिस्टल के अंदर जैसे मैंने पिछले सेक्शन में बताया था बहुत सारे सेट्स होते हैं पैरेलल प्लेन्स के, पर ब्रैग इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए आपको उनमें से एक पैरेलल सेट चूज करना है। हमने ये पैरेलल सेट चूज कर लिया जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं और वो रेगुलरली अरेंज है थ्री डायमेंशन के अंदर। इस सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स के ऊपर हमने एक्सरेस फॉल करवाई, ये एक्सरेस जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है मिरर से, और ये जो रिफ्लेक्टेड एक्सरेस होंगी ये क्या करेंगी, ये इंटरफेयर करेंगी, कंस्ट्रक्टिवली भी इंटरफेयर कर सकती हैं, डिस्ट्रक्टिवली भी इंटरफेयर कर सकती हैं, जिसके कारण अगर आप यहाँ पर स्क्रीन लगा दें तो आपको स्क्रीन मतलब फोटोग्राफिक प्लेट लगा दें एक, तो आपको फोटोग्राफिक प्लेट मीन स्क्रीन के ऊपर एक डायफ्रेक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा, और उस डायफ्रेक्शन पैटर्न को स्टडी करके हमें बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है, क्रिस्टल के अंदर पैरेलल प्लेन्स की ओरिएंटेशन कैसी है उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उस डायफ्रेक्शन पैटर्न को स्टडी करके जो हमें स्क्रीन पर ऑब्टेन होगा। जब ये एक्सरे इस एटम के ऊपर फॉल होगी तो इस एटम के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे जिस फ्रीक्वेंसी की आपने इंसिडेंट एक्सरे फॉल करवाई थी इस एटम के ऊपर। तो ये वाइब्रेट करेंगे मीन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्सेलरेटेड हो जाएंगे, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स रेडिएशन को रीएमिट करेंगे, और जो रीएमिटेड रेडिएशन होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी जितनी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की थी उतनी ही फ्रीक्वेंसी एमिटेड रेडिएशंस की भी होगी। तो स्टूडेंट देखते हैं आप इस टॉपिक के अंदर और क्या ऐड करके आएंगे एग्जाम के अंदर। When X-ray fall on a crystal, the electrons of atoms of crystal start vibrating with the frequency of incident X-rays. जब X-rays crystal के ऊपर fall करती हैं, तो atoms के अंदर present electrons vibrate करना शुरू कर देते हैं, उसी frequency के साथ vibrate करेंगे जिस frequency के आपने X-rays fall करवाई हैं crystal के ऊपर। The electrons get accelerated. होगा क्या उसे? जब electron vibrate करेगा, means वो accelerated हो जाएगा। The accelerated electrons means accelerated charges. Re-emit radiations of frequency which is same as the frequency of incident X-rays. जो electrons accelerated होंगे, वो दोबारा से radiations को emit करेंगे, उसी frequency की radiations वो emit करेंगे जिस frequency की आपने X-rays incident करवाई थी इनके ऊपर। ये वाला एटम भी रेडिएशन एमिट करेगा, ये वाला एटम भी रेडिएशन एमिट करेगा, उसी तरह से वो सारे एटम्स रेडिएशन एमिट करेंगे जिनके ऊपर आप एक्सरेस फॉल करवाएंगे, तो आपके पास बहुत सारी एमिटेड रेडिएशंस हो जाएंगी। द एमिटेड रेडिएशन विल इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली एंड यू विल गेट डायफ्रेक्शन पैटर्न ऑन द स्क्रीन विच प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल। ये जितने भी एमिटेड रेडिएशन होंगी ये कंस्ट्रक्टिवली भी इंटरफेयर कर सकती हैं और डिस्ट्रक्टिवली भी इंटरफेयर कर सकती हैं, और आपको स्क्रीन के ऊपर, ये स्क्रीन है हमारी जिसको हम फोटोग्राफिक प्लेट भी बोलते हैं, उसके ऊपर आपको डायफ्रेक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा, और उस डायफ्रेक्शन पैटर्न को स्टडी करके हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर और क्रिस्टल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। तो इस टॉपिक में आप और क्या ऐड करके आएंगे एग्जाम के अंदर वो देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट लास्ट के सेक्शन में हमने पढ़ा कि एक्सरेस का डायफ्रेक्शन क्यों होता है क्रिस्टल्स के थ्रू, और व्हाट डू यू मीन बाय डायफ्रेक्शन ऑफ एक्सरेस बाय क्रिस्टल्स। अब हम बात करेंगे ब्रैग्स लॉ की। देखिए स्टूडेंट्स, 1912 में डब्ल्यू एल ब्रैग ने एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला दिया था, एक सिंपल सा रिलेशन दिया था जो सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है अगर आपने एक्सरेस को डायफ्रेक्ट कराना है क्रिस्टल से।
उसी सिंपल फॉर्मूला मींस उसी ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को बोला जाता है ब्रैग्स लॉ। देखिए स्टूडेंट्स, क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होते हैं, ब्रैग्स लॉ जिसको हम ब्रैग्स इक्वेशन 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा भी बोलते हैं, अगर आपने उसको प्रूव करना है तो आपको एक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन ही चूज करना पड़ेगा। तो हमने ये सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स चूज कर लिया जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं जो कि रेगुलरली अरेंज है 3 डायमेंशन के अंदर। जितने भी कॉन्जिक्यूटिव पैरेलल प्लेन्स होंगे इन सबके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल डी होगा। अब हमने क्या करना है, इन पैरेलल प्लेन्स के ऊपर एक्सरे की बीम फॉल करवानी है। पहली एक्सरे ये होगी, दूसरी एक्सरे ये होगी और दोनों रेस को मिला के हम बोलेंगे ये एक्सरे बीम है। तो क्या होगा, ये जो पैरेलल प्लेन्स हैं इन बीम्स को मीन्स इन एक्सरेज को रिफ्लेक्ट कर देंगे और रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे जैसे मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है ऑर्डिनरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करते हुए ये एक्सरेज इन पैरेलल प्लेन से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ये जो हमने एक्सरे की बीम फॉल करवाई है इस सेट ऑफ पैरेलल प्लेन पे वो ग्लांसिंग एंगल थीटा पर फॉल करवाई है। इस एक्सरे को हम बोलते हैं, नाम दे देते हैं PA, इस एक्सरे को हम नाम दे देते हैं QB और रिफ्लेक्टेड एक्सरे को हम नाम दे देते हैं AR और BS। तो हम A को B से ज्वाइन कर देते हैं और इसकी जो वैल्यू होगी AB की वो भी इस B के बराबर होगी, मींस इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बराबर AB की वैल्यू होगी। तो ब्रैग्स लॉ की डेरिवेशन की इंट्रोडक्शन में आप एग्जाम में क्या लिख के आएंगे, आइए वो देखते हैं। ब्रैग्स लॉ, इन 1912 W.L. Bragg gave us very simple formula for geometrical condition which must be satisfied if X-rays are to be diffracted by parallel set of planes. देखिए सुनो, 1912 में W.L. Bragg ने एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया था, मींस एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी थी जिसको सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है और वो ज्योमेट्रिकल कंडीशन थे 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। d है इन दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस, लैम्डा है इन एक्सरेज की वेवलेंथ और n कैन बी द ऑर्डर ऑफ डाइफ्रेक्शन व्हिच कैन बी 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और थीटा था वो एंगल जिस एंगल पर हमने एक्सरे बीम को इन सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स पर फॉल करवाया था। अगर इन एक्सरेज को डायफ्रेक्ट होना है इन सेट ऑफ पैरेलल प्लेन से तो ये जो कंडीशन है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा ये हर हाल में सेटिस्फाई होनी बहुत जरूरी है। This simple formula 2d sin theta equal to n lambda is called Bragg's law. इसी simple formula 2d n sin theta n lambda को हम बोलते हैं Bragg's law. अगर आपको compulsory question में आता है कि write Bragg's law equation, तो आप simple ये लिखेंगे 2d sin theta equal to n lambda. ये भी आपको पूछा जा सकता है compulsory question के अंदर. Consider a set of parallel planes. हमने एक crystal के अंदर एक set assume कर लिया parallel planes का. वैसे तो बहुत सारे set of parallel planes होते हैं, but आपने एक set of parallel planes ही choose करना है. Let the planes be at a distance d from each other. हर एक plane के बीच का जो distance है, इस plane और इस plane के बीच का distance d है, इस plane और इस plane के बीच का distance भी d है. तो हर एक parallel plane के बीच का distance d है, small d. Let a parallel beam of X-rays of wavelength lambda be incident on these parallel planes at glancing angle theta. हमने X-rays की beam fall करवानी है इन parallel planes पर, कितने angle पर fall करवानी है, theta angle पर fall करवानी है. तो student next section में हम derive करेंगे Bragg's equation 2d sin theta equal to n lambda. तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ और ड्राइव करते हैं ब्रैग्स लॉ इक्वेशन 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। देखिए स्टूडेंट हमारे यहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेस हैं, एक है AR और एक है BS। अगर इन रेस को इंटरफेयर करना है कंस्ट्रक्टिवली तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन होती है कि द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, मींस पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए इन रिफ्लेक्टेड रेस के बीच में वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए अगर आपने इन रेस को इंटरफेयर करवाना है कंस्ट्रक्टिवली। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमें यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, AC परपेंडिकुलर QB एंड और एक परपेंडिकुलर हमें और ड्रॉ करना पड़ेगा यहां पर वो है परपेंडिकुलर AD परपेंडिकुलर BS। तो हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर AC ड्रॉ की है QB के ऊपर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD BS के ऊपर। अगर आपने इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस के बीच में पार डिफरेंस निकालना है तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने बहुत जरूरी है। अब आप देख सकते हैं इन दोनों रेस के बीच में कितना पार डिफरेंस है, यहाँ के बाद यहाँ इस A और D पॉइंट के बाद वो दोनों रेस सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है इस रे ने, वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है CB प्लस BD।
तो पावर डिफरेंस होगा इन दोनों रेज के बीच में सीबी और बीडी। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करके सीबी और बीडी की वैल्यू निकालेंगे और सीबी और बीडी का जो सम होगा मीन जो पावर डिफरेंस होगा उसको एन लैम्डा के बराबर पुट कर देंगे तो आपके पास 2d sin थीटा इक्वल टू एन लैम्डा प्रूफ हो जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स आप एग्जाम में इसमें क्या लिख के आएंगे। The reflected rays AR and BS will interfere constructively if the path difference CB plus BD is equal to integral multiple of lambda. अगर reflected rays AR और BS को interfere करना है constructively तो इन दोनों reflected rays के बीच में जो path difference है means CB plus जो BD का sum है वो n lambda के बराबर होना चाहिए। That is CB plus BD is equal to n lambda. ये होगी हमारी first equation. CB plus BD है path difference इन दोनों reflected rays AR और BS के बीच में। अब हमें value निकालनी है CB की। CB की value निकालने के लिए हमें trigonometry use करनी पड़ेगी। CB आ रहा है हमारे पास triangle ACB के अंदर। तो स्टूडेंट्स अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी हम प्रूव कर सकते हैं ज्योमेट्री यूज करके कि ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है बीसी की और बीसी निकालने के लिए हम ट्रायंगल यूज करेंगे एसीबी। इन ट्रायंगल एसीबी साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर सीबी और हाइपोटेन्यूज है एबी। तो एबी की वैल्यू हमें पता है स्मॉल डी के बराबर है और साइन थीटा इज इक्वल टू जगह सीबी अपॉन डी। यहाँ से सीबी की वैल्यू आ जाएगी डी साइन थीटा। उसी तरह से अगर आप ये वाली ट्रायंगल यूज करते हैं ए बी डी और ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अगर आप ए बी डी ट्रायंगल यूज करके हम वैल्यू निकालेंगे बी डी की तो वो भी डी साइन थीटा निकल के आएगी। आप सिमिलरली करके बी डी की वैल्यू लिख सकते हैं डी साइन थीटा। सी बी और बी डी की जो कंबाइन वैल्यूज हैं डी साइन थीटा उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। उसके बाद हम करेंगे यूजिंग 2 in 1। सी बी की वैल्यू पुट करेंगे डी साइन थीटा, बी डी की वैल्यू पुट करेंगे डी साइन थीटा और इसको रख देंगे इक्वल टू एन लैम्डा। तो डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा हो जाएगा 2d sin थीटा व्हिच विल बी इक्वल टू एन लैम्डा। तो यही है स्टूडेंट्स हमारी ब्रैग्स लॉ इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप यहां तक करके आएंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।